तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले की मौसम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों के आज और कल का मौसम कैसा रहेगा, और साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सा जिला है जो कि 2 या 3 दिन गर्म रह सकता है, और आपको बताएंगे कौन से जिले में है जो कि तेज हवाएं चल सकती हैं, आपको बताएंगे और कौन से जिले में है जो कि तेज बारिश हो सकती है, और साथ ही आपको बता दें कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हो, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके जिले के मौसम के बारे में ताज़ा जानकारी बता सकें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों के मौसम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद की। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद में आज के 2 दिन ऐसे रह सकते हैं जहां पर आज के कुछ इलाकों में आज की तेज बारिश हो सकती है, और साथ ही आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर आज की तेज हवाएं चलेगी, और आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ आज की धूल भरी आंधी भी हो सकती है, और साथ ही आपको बता दें कि 2 या 3 दिन ऐसे रह सकते हैं जहां पर कुछ इलाकों में घने बादल मंडराए रहेंगे लेकिन वर्षा नहीं होगी, और आपको बता दें कि आने वाले 2 दिन के बाद कुछ इलाकों में है जो थोड़ी बहुत है जो बारिश होने की है जो की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ओरिया की। दोस्तों आपको बता दें कि ओरिया में है जो कि कहीं जगहों पर है जो काफी उमस बनी हुई है, आपको बता दें कि 2 या 3 दिन और भी ऐसे रह सकते हैं जहां पर है जो कुछ इलाकों में इसकी और भी ज्यादा उमस बढ़ सकती है, लेकिन आपको बता दें कि शाम के 4 या 5 बजे के बीच है जो कुछ इलाकों में जो थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है, और साथ ही आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर है जो तेज हवाएं चलेगी, और आपको बता दें कि धूल भरी है जो कि आंधी भी चलने की है जो कि आशंका जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बागपत की। दोस्तों आपको बता दें कि बागपत में है जो शाम के 4 से या 5 बजे के बीच में जो कुछ इलाकों में जो तेज बारिश हो सकती है, आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर है जो तेज बारिश के साथ है जो थोड़ी बहुत ओलावृष्टि होने की भी है आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि बागपत के कुछ इलाके ग्रामीण इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर है जो घने बादल मंडराए रहेंगे लेकिन है जो वर्षा थोड़ी बहुत ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर है जो तेज बारिश भी हो सकती है, और साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी बहुत है जो ओलावृष्टि भी है जो होने की आशंका जताई जा रही है, कुछ इलाके ऐसे रहेंगे गिने। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बरेली की। दोस्तों आपको बता दें कि बरेली में है जो इस समय है जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर है जो तेज बारिश हो चुकी है, और साथ ही आपको बता दें आने वाले 2 दिन ऐसे रहेंगे जहां पर है जो और भी ज्यादा तेज बारिश है जो होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि बरेली के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर है जी इस समय कुछ बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, वहां पर है जो कि ज्यादा उमस बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले 2 दिन ऐसे रह सकते हैं जहां पर है जो उमस से है जो छुटकारा मिल सकता है, और आपको बता दें कि शाम के 4 से या 5 बजे के बीच है जो 2 दिन के अंदर है जो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, और साथ ही आपको बता दें कि जहां पर उमस पड़ रही है वहां पर है जो गर्मी से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल सकता है। आपको बता दें कि इस समय है जो कुछ इलाकों में है जो तेज बारिश हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर है जो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर है जो बारिश होने की है जो आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस समय है जो कुछ इलाकों में है जो तेज हवाएं की चलने की है जो खबरें सामने निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बिजनौर की। दोस्तों आपको बता दें कि बिजनौर में है जो 2 या 3 दिन ऐसे रह सकते हैं जहाँ पर है जो तेज हवाएं चल सकती हैं। आपको बता दें कि कुछ इलाकों में है जो तेज हवाओं के साथ है जो तेज बारिश भी हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर है जो घने बादल मंडराए रहेंगे, आपको बता दें कि लेकिन वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, और साथ ही आपको बता दें कि कुछ इलाकों में है जो थोड़ी बहुत है जो ओलावृष्टि भी होने की है जो आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर है वर्षा नहीं देखने को मिले। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बुलंदशहर की। दोस्तों आपको बता दें कि बुलंदशहर के कुछ इलाके हैं जहां पर है तेज बारिश हो चुकी है, और साथ ही आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ है जो तेज हवाएं चलने की है जो भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर है जो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, लेकिन आपको बता दें कि 2 या 3 दिन ऐसे रह सकते हैं जहां पर है जो तेज बारिश है जो हो सकती है। लिखिए
आपको बता दें कि बरेली में है जो कि दो दिन ऐसे रह सकते हैं जहाँ पर है जो कि कुछ इलाकों में जो कि तेज बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ है जो कि तेज हवाएं है जो कि चलने की है जो कि आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि बरेली के कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर है जो बारिश के साथ है जो ओलावृष्टि भी है जो होने की है जो आशंका जताई जा रही है। और साथ ही आपको आपको बता दें कि बरेली के है जो कुछ ग्रामीण इलाकों में है जो हवाएं है जो कि तेज चलने की है जो कि आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि हाँ आपको बता दें कि दो दिन ऐसे रहेंगे बरेली के जहाँ पर कुछ इलाकों में जो कि मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बलिया की। दोस्तों आपको बता दें कि बलिया में भी हम आपको बता दें कि इस समय है जो कि मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि वहाँ पर भी जो कुछ इलाकों में है जो कि दो दिन से जो लगातार बारिश हो रही है। और साथ ही आपको बता दें जहाँ कुछ इलाकों में जो तेज़ हवाएं चल रही हैं और तेज़ हवाओं के साथ है जो काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है। आपको बता दें कि दो या तीन दिन ऐसे भी रह सकते हैं जहाँ पर और भी ज़्यादा है जो कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि शाम के 4 से 5 बजे के बीच है जो कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर है जो धूल भरी आंधी भी चल सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि तेज़ हवाएं चलने की है जो आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि बलिया में भी हम आपको बता दें कि 2 या 3 दिन है जो कुछ इलाकों में जो बहुत ही ज़्यादा मौसम है जो एक बार फिर से बिगड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आजमगढ़ की। दोस्तों आपको बता दें कि आजमगढ़ में हम आपको बता दें कि शाम के 4 से 5 बजे के बीच जो एक बार मौसम फिर बिगड़ सकता है। आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर है जो धूल भरी आंधी चल सकती है और तेज़ हवाएं और तेज़ हवाओं के साथ जो तेज़ बारिश होने की है जो आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी और आपको बता दें कि बूंदाबांदी के साथ है जो थोड़ी बहुत है जो ओलावृष्टि भी हो सकती है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के है जो कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर है जो थोड़ी बहुत है जो तेज़ हवाएं हैं। तो आपको बता दें कि आजमगढ़ में है जो दिन के समय में है जो काफ़ी उमस रहेगी और आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा है जो गर्मी पड़ सकती है। आपको बता दें कि लेकिन आपको बता दें कि सुबह के शाम के 4 बजे के बीच है जो कहीं जगहों पर है जो बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि उमस है जो एकदम ख़त्म हो जाएगी। आपको बता दें कि रात में है जो ठंड का मौसम रहेगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ के कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर है जो तेज़ बारिश हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अमेठी की। दोस्तों आपको बता दें कि अमेठी में है जो कुछ इलाकों में जो बहुत ही ज़्यादा इस समय जो उमस पड़ रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर है जो शाम के 3 से 4 बजे के बीच जो काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर है जो धूल भरी आंधी चल सकती है। आपको बता दें कि तेज़ हवाएं चलने की है जो आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि अमेठी के कुछ जिले ऐसे गांव ऐसे रहेंगे जहां पर है जो तेज़ बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि धूल भरी आंधी भी है जो चलने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2 या 3 दिन है जो वहाँ पर अमेठी के कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर है जो तेज़ बारिश हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अलीगढ़ की। दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में है जो इस समय है जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर है जो दिन के समय में बहुत ही ज़्यादा उमस का माहौल बना हुआ। आपको बता दें कि साथ ही आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर है जो उमस एक बार और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और आपको बता दें कि कुछ इलाकों में जो रात के समय में जो अच्छी खासी तेज़ बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर है जो धूल भरी आंधी चलेगी और तेज़ हवाएं चलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर है जो घने बादल मंडराए रहेंगे लेकिन आपको बता दें कि वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। आपको बता दें कि कुछ इलाकों में है जो थोड़ी बहुत है जो बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है लेकिन आपको बता दें कि तेज़ बारिश है जो कुछ कुछ जगहों पर हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर है जो तेज़ हवाएं भी चल सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ अलीगढ़ के कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर है जो तेज़ बारिश है जो देखने को मिल सकती हैं।
और साथ ही आपको बता दें कि शाम के 4 से या 5 बजे के बीच है जो कुछ इलाकों में है जो उमस है जो थोड़ी बहुत है जो राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बांदा की। दोस्तों आपको बता दें कि बांदा में है जो कुछ इलाके ऐसे रहे हैं जहाँ पर है जो काफ़ी दिनों से है जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। और आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ पर है जो तेज़ हवाएं है जो 2 से 3 दिन हो गए लगातार है जो शाम के 4-5 बजे के बीच है जो आती है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं कहीं इलाके ऐसे भी है जहाँ पर है जो तेज़ बारिश हो रही है। आपको बता दें कि अब है जो 2 या 3 दिन ऐसे रह सकते हैं जहाँ पर कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर है जो धूल भरी है जो आंधी चलने की है जो आशंका जताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इस समय है जो कुछ इलाकों में है जो बहुत ही ज़्यादा उमस का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि लेकिन आने वाले 2 या 3 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पर है जो थोड़ी बहुत है जो बारिश हो सकती है। उमस से है जो लोगों को है जो राहत मिल सकती है। 2 या 3 दिन ऐसे रह सकते हैं जिन इलाकों में जो उमस ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पर है जो उमस से है जो अब लोगों को राहत मिलती हुई। दोस्तों और भी अधिक जानकारी के लिए बने रहे आप हमारे साथ और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।